Xiaomi 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 1080p 2i। इसमें देखते क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें क्या फीचर्स हैं। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में है इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, अपग्रेडेड फंक्शन, व्यू एक्सपीरियंस, एनहेंस नाइट विजन, स्मार्ट कंट्रोल विद वॉइस पर्सन डिटेक्शन, टू वे वॉइस कॉलिंग, 360 पैन टिल्ट जूम पैनोरामिक, 4L राउंड मॉनिटरिंग। इसमें प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, इसमें आता अपना प्रोडक्ट नेम Xiaomi 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 1080p 2i। प्रोडक्ट मॉडल नंबर दिया हुआ। प्रोडक्ट का जो नेट वेट है वो 254 ग्राम, और ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है इसमें है -10 डिग्री से लेके और 40 डिग्री सेल्सियस तक ये अपना ऑपरेट हो जाएगा। पावर इनपुट में इसमें 2 एम्पियर 5 वोल्ट का चार्जर लगेगा, मतलब 2 एम्पियर का चार्जर लगेगा। रिजोल्यूशन है 1080p। लेंस का जो एंगल है वो है 110 डिग्री। वीडियो इनकोडिंग है इसमें H.265। और इसमें प्रोडक्ट डायमेंशन, जो प्रोडक्ट का जो डायमेंशन है 7.5 लेंथ है इंटू 7.5 विड्थ है और 10.8 हाइट है इसकी सेंटीमीटर में। और स्टोरेज में इसमें माइक्रो SD कार्ड, जो कि आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा, 32 GB इसमें सपोर्टेड है। वायरलेस कनेक्शन का है इसमें वाईफाई, और वाईफाई कनेक्टिविटी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 2.4 GHz तक है और सपोर्टेड सिस्टम जो रहेगा वो एंड्रॉयड 4.4 से लेकर iOS 9.0 एंड अब, मतलब कि इससे ऊपर वाला अगर आपके पास एंड्रॉयड अपग्रेडेशन है तो उसमें भी सपोर्ट करेगा। पैकेज कंटेंट में है Xiaomi 360 होम सिक्योरिटी कैमरा आएगा इसमें, इसके बाद में आपको एक यूजर मैनुअल, पावर केबल और ये स्टैंडर्ड अडाप्टर भी आएगा 2 एम्पियर का वाइट कलर का। बॉल माउंट एच सीरीज, मतलब कैमरा को इंस्टॉल करने के लिए एक इसमें आपको एच सीरीज भी आएगा। अपग्रेडेड फंक्शन, फुल सर्विलेंस रहेगा और 360 व्यू इसमें आप देख सकते हैं। इनहेंस नाइट विजन, इनहेंस नाइट विजन की आप नाइट में भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकता है। AI ह्यूमन डिटेक्शन भी है इसमें। और इसके बाद आएगा व्यू एक्सपीरियंस, क्लियर एंड क्रिस्प व्यू एक्सपीरियंस रहेगा इसमें। यहाँ पर दिखा हुआ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कैमरा और जो 360 होम सिक्योरिटी कैमरा 2i है इसमें, इसमें क्वालिटी का आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद है ब्राइटर देन एवर, इनहेंस नाइट विजन का इसमें दिखाया हुआ है। इसके बाद आएगा वर्क विद एलेक्सा के साथ ही काम करेगा गूगल, ओके गूगल आप इसमें बोलकर आसानी से जो ऑपरेट हो सकता है, और इसमें इसी टाइप से वर्क करेगा एलेक्सा के साथ में। पर्सन डिटेक्शन भी इसमें दिया हुआ है, जैसे कैमरा लगा हुआ अगर वहाँ पर कुछ भी मोशन होता है तो ये आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। टू वे वॉइस कॉलिंग है, टू वे वॉइस कॉलिंग मतलब अगर आप इसमें बोलते हैं कैमरे से तो जो सामने यहाँ पर कनेक्ट है वहाँ पर भी इसका जो वॉइस जाएगा, और अगर उस वहाँ से कोई बोलता है तो कैमरे से भी आवाज़ आएगी, मतलब माइक और इसमें जो कि स्पीकर भी लगा हुआ है। कैप्चर एवरी कॉर्नर, मतलब अगर जहाँ पर भी आपने इसको इंस्टॉल किया है वहाँ पूरा जो एरिया है वो आसानी से कैप्चर कर लेगा इसमें। बाकी सिक्योरिटी दिया, फीचर ऑफ स्मार्ट सिक्योरिटी, तो इस टाइप से इसको कनेक्ट करके अब इसमें बताया सपोर्टेड स्टैंडर्ड एंड इन्वर्टेड माउंटिंग, इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बताया दो तरीके से, या तो आप इसको सीलिंग पे इस टाइप से लगा सकते हैं और आसानी से टेबल वगैरह पे भी आप इसको रख सकते हैं। स्टोरेज मेथड में आप लोकल SD कार्ड, मतलब अलग से आपको SD कार्ड लगाना पड़ेगा, 32 GB तक इसमें सपोर्ट रहेगा। और नए स्टोरेज भी है इसमें ना, हिस्टोरिकल वीडियो बैकअप फ्रॉम द माइक्रो SD कार्ड से आप आसानी से बैकअप कर सकते हैं। और क्लाउड स्टोरेज में 7 डेज का दिया है, फ्री 7 डेज रोलिंग क्लाउड मोशन ट्रेक वीडियो क्लिप, 7 दिन तक के इसके आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं। जो MI अकाउंट रहता है उसी में MI क्लाउड रहता है, वहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हैं। स्टोरेज मेथड इसमें ये यहाँ पर दिखाया हुआ है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, एक प्ले स्टोर से
एमआई होम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसमें से आप आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल इसमें सेटअप दिया हुआ है। एमआई अकाउंट में आपका है जो कि आईडी होना चाहिए। आईडी बनाने के बाद यहाँ पर आप आसानी से कनेक्ट करके इसको जो कि इमेज का रोटेशन भी कर सकते हैं। सिंपल स्टेप दिया हुआ है इसको कनेक्ट करने का। यहाँ पर भी बार कोड दिया है, बार कोड इसको भी स्कैन करके कर सकते हैं कनेक्ट। स्कैन क्यू आर कोड ऑन द डिवाइस, वेट टिल द कैमरा सेटिंग कॉन्फिगर। तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यू विल गेट द डिवाइस एडेड, कुछ देर बाद डिवाइस कन्फर्म होकर ऐड हो जाएगा। इसके बाद रहेगा इसका आप नाम भी रख सकते हैं, किस नाम से आपको कैमरा का जो नाम है किस तरीके से रखना है। एचडी कार्ड लगाने का भी इसमें दिखाया हुआ है। ऑर्डर रीसेट द पिन, वी नीड शार्प नीडल ऑफ पिन इंजेक्ट। एक सिम इजेक्टर रहता है, इससे आप आसानी से यहाँ से एचडी कार्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पर लगेगा, इसके बाद है यहाँ पर रीसेटिंग द कैमरा। इसमें रीसेट करने के लिए अलग से एक बटन दिया हुआ है। तो द लाइट टर्न फ्रॉम द ब्लू टू येलो, इंडिकेटिंग दैट द डिवाइस ऑलरेडी रेडी टू रीसेट। जब रीसेट होगा तो यहाँ पर येलो कलर की लाइट ब्लिंक होने लगेगी। आपको जो कि जिसमें बटन दिया उसको दबा के रखना है 3 सेकंड तक। पैकेज कंटेंट में आपको कैमरा आएगा, यूजर मैनुअल, पावर केबल और एक अडाप्टर आएगा। वॉल माउंटिंग एसेसरीज भी इसमें साथ में आपको मिल जाएगी। इफ़ यू डू नॉट सी अ फ्लैशिंग लाइट, फॉलो बिलो ट्रबल शूटिंग। अगर इसमें लाइट ब्लिंक नहीं कर रही फ्लैशिंग लाइट, तो आप इस तरीके से जो कि इसको इंश्योर टू नो डैमेज इन माइक्रो यूएसबी केबल। केबल आपको चेक करना है अडाप्टर प्रॉपर वर्क कर रहा नहीं कर रहा है। अगर ये सब वर्किंग है तो उसके बाद आपको सर्विस सेंटर पर दिखाना है। माइक्रो एसडी कार्ड कैन नॉट डिटेक्ट, अगर कार्ड भी डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो इसके लिए भी इसमें बताया हुआ है। इंश्योर नॉट डैमेज, कार्ड आपका डैमेज नहीं होना चाहिए, स्लॉट भी डैमेज नहीं होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट कस्टमर पावर ऑफ द एमआई होम सिक्योरिटी कैमरा एंड देन इंसर्ट द एसडी कार्ड, मेक श्योर द डैमेज सॉरी स्टोरेज कैपेसिटी 64 GB और लेस, मतलब 64 GB से कम ही होना चाहिए। वैसे तो इसमें 32 GB का ही कार्ड लगता है। इंश्योर टू वेरीफाई द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ माइक्रो एच डी कार्ड इज द फेसिंग डाउन, मतलब जो इसमें टर्म एंड कंडीशन बताएं वो ओके होना चाहिए। जिसमें नाइट विजन का भी बताया हुआ है। 12 पॉइंट, कैन नॉट हेयर एनी ऑडियो विद ब्राउजिंग वीडियो इन द ऐप, ऑडियो इज टर्न ऑफ बाई डिफॉल्ट एंड कैन बी टर्न ऑन बाई द टैपिंग द वॉल्यूम बटन ऑन द लाइव फोटो पेज। लाइव भी आप देख सकते हैं। आप रिलीज हिस्ट्री 12 जुलाई 2020, इनिशियट गाइड, इस तारीख को मतलब कि जे रिलीज हुआ था। थैंक यू फॉर एवरीवन। अच्छा है वैसे जो कैमरा आता है 360, उससे हाई क्वालिटी वाला वीडियो का भी इसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आपको देखने को मिलेगी। और इसमें मोशन भी है, मोशन डिटेक्शन, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। Thank you for everyone.